हेलो फ्रेंड, हार्मोन्स अनबैलेंस होने का असर तुरंत हमारी भूख, नींद और मानसिक स्थिति पर दिखने लगता है। अनबैलेंस का यहाँ पर मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा होना या बहुत ही कम हो जाना। फ्रेंड, हार्मोन्स का प्रत्येक जेंडर पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अभी पिछले कुछ दिनों तक तो यही समझा जाता था कि हार्मोन्स अनबैलेंस होने से सूजन, मेनोपॉज, नपुंसकता, छोटा कद, दुबलापन, मुहासे और मूड स्विंगी होता है। लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि हार्मोन सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को कंट्रोल रखने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्तों, हार्मोन्स अनबैलेंस महिलाओं, बच्चों और पुरुषों की लाइफ पर अलग अलग तरीके से असर डालता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं बच्चों की। अगर बच्चों को हार्मोन्स अनबैलेंस का सामना करना पड़ता है तो ओबेसिटी, बॉडी का एबनॉर्मल डेवलपमेंट और लड़कियों की टीनेज में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम देखने को मिलता है। वहीं कुछ केसों में लड़कों में टेस्टिकल का डेवलपमेंट भी पूरी तरीके से नहीं हो पाता है। पुरुषों में हार्मोन्स अनबैलेंस होने से डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, सेक्सुअल एक्टिविटी में कमी, नपुंसकता, दाढ़ी मूछ के बालों का कम या ज़्यादा हो जाना, बस सुस्ती आदि की समस्याएं देखी जाती हैं। तो बात करते हैं महिलाओं की। फ्रेंड, महिलाओं में हार्मोन्स अनबैलेंस होने का असर काफ़ी व्यापक रूप में देखा जाता है। इसका कारण होता है फीमेल की कॉम्प्लिकेटेड बॉडी सिस्टम, और कई सारे रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि 50% महिलाओं में हार्मोन अनबैलेंस होने का असर उनकी डेली लाइफ रूटीन पर भी पड़ता है। इससे उनके गर्भधारण, मेनोपॉज, मेंसेस साइकिल की एबनॉर्मलिटी को भी बहुत ज़्यादा असर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर भी हार्मोन्स अनबैलेंस होने की समस्या हो रही है। दोस्तों, हार्मोन्स अनबैलेंस होने के कुछ प्रमुख लक्षण इस तरह से हैं, जैसे बिना किसी ठोस कारण के वजन का बढ़ जाना, हर समय थकान का बने रहना, नींद का बहुत ज़्यादा या बहुत कम आना, तनाव, चिंता और चिड़चिड़ापन बने रहना, साथ ही साथ गैस, कब्ज और बदहजमी का भी एकदम से ज़्यादा हो जाना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, सेक्सुअल एक्टिविटी की इच्छा का बहुत ही कम हो जाना, बालों का झड़ना, जल्दी सफ़ेद होना और या फिर दाढ़ी में बालों का बहुत ज़्यादा घना हो जाना भी हार्मोन्स अनबैलेंस का एक प्रमुख लक्षण होता है। कभी कुछ लोगों में ज़्यादा प्यास का लगना और ज़्यादा ठंड या गर्मी का लगना भी हार्मोन्स अनबैलेंस की समस्याओं में देखा जाता है। तो ये तो थे कुछ ऐसे लक्षण जो हार्मोन्स अनबैलेंस की समस्या में आपको अपने शरीर में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आपको लगे कि आपकी बॉडी में भी हार्मोन्स अनबैलेंस की समस्या होने लगी है तो आप अपने लेवल पर क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं। तो हार्मोन्स अनबैलेंस में आप अपनी डाइट में ताजे फल, हरी सब्जियां और जूस की मात्रा को काफ़ी बढ़ा दें। पानी खूब पिएं, दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास के आसपास। खाने में ओट्स और दही को जरूर शामिल करें। नारियल पानी काफ़ी प्रभावकारी होता है, साथ ही साथ ग्रीन टी में थीनाइन नाम का एक नेचुरल मॉलिक्यूल्स पाया जाता है। हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए आप अपनी डेली लाइफ में ग्रीन टी का इस्तेमाल जरूर करें। तो सूरजमुखी के बीज, अंडे और ड्राई फ्रूट अपनी डाइट में शामिल जरूर करें, क्योंकि इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हार्मोन्स के अनबैलेंस को बैलेंस कर देता है। तो इसके अलावा आपको चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, फास्ट फूड व ज़्यादा कैलोरी वाले खान पान को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। दोस्तों, ये तो थी हार्मोन्स अनबैलेंस से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी जानकारियाँ। उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग।